सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की अध्यक्षता में 10 सितंबर को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी की समिति की बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा महेश्वरी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबेले, जनपद पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष पूरन लाल ठाकरे, वारा सिवनी के अध्यक्ष चिंतामन नगपुरे, बैहर के अध्यक्ष भगवंती सयाम, परसवाड़ा की अध्यक्ष सुशीला सरोती, बिरसा की अध्यक्ष सरिता धुर्वे, यूसुफ पटेल एवं सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मनरेगा के कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद डॉक्टर बिसेन ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत जिले में नहरों में कराए गए सुधार एवं मरम्मत कार्य के अच्छे परिणाम सामने आए हैं, जिससे मजदूरों को काम मिलने के साथ ही नहरों की सफाई हो गई और उनसे पानी की निकासी आसान हो गई है। सांसद डॉक्टर बिसेन ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में किसानों का डाटा अपडेट नहीं होने के कारण बहुत से किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है। अतरु डाटा शीघ्र अपडेट किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को गौशाला में रहना चाहिए। यदि उसकी मोटर जल गई हो तो पंचायत का दायित्व है कि वह शीघ्रता से उसे सुधरवाएं। खैरलांजी क्षेत्र के कुछ ग्रामों की नल जल योजनाओं की सिंगल फेज मोटर कम वोल्टेज के कारण चल नहीं पाती है, इसका शीघ्र कोई रास्ता निकाला जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गत वर्ष जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी इस बात पर ध्यान दें कि बिजली बिल अधिक आने के कारण उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी स्वयं आगे आकर गलत बिलों को सुधरवाएं। वहीं बैठक में भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारी के उपस्थित न होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। एक समय पर कोविड है, 21 मार्च से हम कोरोना से संक्रमित पूरा देश चल रहा है। हमने शुरुआत के महीनों में बहुत सावधानी बरती है। जितने हमारे भाई बाहर से आए उन सबका नाम लिखा, उनको जो परेशानियां हैं उन सबको किया, और अब जैसे जैसे हमारा अनलॉक होना चालू हुआ अब उसके बाद से लगातार हमारे केसेस बढ़ने लग गए हैं। अब ये केसेज बढ़ने लग गए हैं, हमको आर्थिक गतिविधि भी बढ़ानी है, हमको सारे काम भी करने हैं, हमें दुकान भी चलानी है, हमें व्यापार भी करना है, खेती भी करनी है, सारे रोजगार के काम करने हैं। तो अब इस कोविड के साथ ही हमको जीने की आदत डालनी पड़ेगी, और इसलिए हमको अपनी सुरक्षा के साथ समाज की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। और समाज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समाज में हम भी हैं, और इसलिए हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और अपने परिवार के साथ अपने गांव को रखें, अपने नाते रिश्तेदारों को रखें। तो इसलिए तीन चार चीज़ें जो बार बार बताई जा रही हैं कि मास्क पहनने की आदत हर हाल में डालिए। आप ये मत सोचो कि मास्क पहनने से मुझे तकलीफ होती है, आप हिसाब लगाओ, एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है 10-10, 12-12 घंटे मास्क लगा के रहता है तो कैसी तकलीफ में रहता होगा। आप तो थोड़ी देर में नीचे ऊपर सब करने लगते हैं, तो मास्क लगाने की एक आदत, घर में जब कभी जाएँ बाहर जाएँ किसी चीज़ को छुए तो हाथ धोने की आदत, सैनिटाइजर करने की आदत, सैनिटाइजर हमारे पास रहना चाहिए, और कोशिश करें कि मानव से कहीं किसी के ना जाए, भीड़ भाड़ में ना जाए, बाजारों में ना रुकने की, हमने बाजार नहीं खोले, होटलें नहीं खोले, अभी भी सिनेमा थिएटर वगैरह नहीं खोले, इसलिए कि वहाँ स्कूल बंद कर दिए हैं। तो इसलिए हमको समाज को बचाने की आवश्यकता है, तो मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, घर में जाना तो अपने हाथ को अच्छे से धोना, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति जिसको हम कहें जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए हमको जो आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं हमारी, जिसमें हमने त्रिकूट काढ़ा, त्रिकूट के नाम से जो काढ़ा बनाया है, हम घर पर भी बना सकते हैं, जरूरी कि सरकार हमको दे। उसमें है पिपली, जिसको हम लेडी पीपर कहते हैं, काली मिर्च और आपका ठोठ, ये तीन चीज़ों को कूट करके आप बना लीजिए, रखे रहिए, इसका चाय पीने की बजाय इसका काढ़ा पियो। बुजुर्ग लोग यदि हैं तो उनको च्यवनप्राश खिलाने की आदत रखें, उनको च्यवनप्राश दें। आंवला अभी अब आगे निकल के आएगा, हम आंवले का उपयोग करें, नहीं कर सकते तो विटामिन सी का उपयोग करें। नींबू गर्म पानी में डाल के पिए, पानी गर्म पानी पीने की आदत रखिए। अब ठंड भी आने वाली है तो, क्योंकि जरा खांसी आए तो चाय तो तकलीफ लगता है कि कोरोना तो नहीं हो गया। और कोशिश हम ये करें कि अपने आप को दूसरों से दूर रखें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।